मंदिर ज्योति पूर्ण का ही है। उसके बाद अपनी मर्जी आप उसे चंगा दे। देख लें ये रसीद ज्योतिपुर शक्ति मंदिर देवी स्थान के नाम का होना चाहिए, तभी आप उसे चंदा दें। आपका चंदा मंदिर कमेटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके चंदे से ही इतना बड़ा भव्य मंडप में कोई असर पड़ा कि नहीं? इधर कोई असर नहीं, इधर कोई असर नहीं पड़ा। दिख रहा है भीड़ वैसे पहले जैसा है कि नहीं? तो उधर का भी भीड़ इधर ही आया हुआ, पहले से कम भीड़ है, पहले जैसा भीड़ नहीं है, पहले जैसे अगला साल जितना भीड़ लग रहा है कि भीड़ घटा है पहले तो। पहले से भीड़ घटा है, पर साल जैसा शाम में कमी है, अंदर से जितना खुल के लोगे होते थे उतना नहीं हो पा रहा है, ऐसा है, ये दिखता है। प्रशासन के बारे में, प्रशासन यहाँ चुस्त है कि नहीं? है प्रशासन है, हम लोग के पास ड्यूटी दिया हुआ है। देखिए प्रशासन का मदद हमको तो मिला है, प्रशासन का मदद में कमी नहीं है, प्रशासन का मदद मिला है। और अब ये बाढ़ पानी की जो वर्षा हुई है उससे पब्लिक में बहुत कमी है, और हमारा पूजा में जो हर साल की तरह इस साल भी मन से हम लोग किए हैं। और यहाँ जो माता के दरबार में आते हैं, जो श्रद्धा से जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरा मेरे दरबार में होता है। ये मंदिर 1829 का है। सर आपका नाम क्या है? अर्जुन महतो। आप यहाँ के अध्यक्ष हैं? नहीं, उपाध्यक्ष हैं, हम पूजा पर बैठे हुए हैं, पाठ पर बैठे हुए हैं। तो ये थे यहाँ के अर्जुन महतो उपाध्यक्ष साहब, जो कि यहाँ का अडलोदीपुर की जो मंदिर है, जो कि पुलिस लाइन में स्थित है, यहाँ पर दुर्गा पूजा की जो मंदिर है, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे पूजा मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं का भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और प्रसाद वितरण शुरू हो चुका है यहाँ पर। कब तक चलेगा ये? सुबह तक चलेगी, सुबह तक। छठवीं को खीर, आठवीं को खिचड़ी खीर, और सप्तमी को हलवा, और नौवीं को खिचड़ी बटेगा, दसवीं को पूरी हलवा बटेगा। और हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे मंदिर के अंदर का हम दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे माता का दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ से पूजा पाठ चल रहा है यहाँ पर भी अभी, और प्रसाद वितरण ये देखिए यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है लोगों का। आगे आते हैं हम और आगे बढ़ते हैं, और अंदर के भी मंदिर का जो है वो माता की जो मूर्ति है उसका दर्शन करते हैं और आपको कराते हैं। हमें अंदर ले जा रहे हैं। आपका नाम सर? अजीत कुमार लाली हूँ। अजीत कुमार लाली हुआ मेरा नाम। अजीत कुमार लाली यहाँ के सचिव हैं जी। ये हमें मंदिर के अंदर ले आए हैं और दिखाएंगे यहाँ के पूजा स्थल के बारे में बताएंगे। पिंडी माता का पिंडी है, माता जी का पिंडी है। ये लगभग 200 वर्ष पूर्व माता जी का पिंडी है। इस माता जी के दर्शन करने से जो भी भक्त को जो भी मनोकामना होता है वो पूर्ण होता है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग आकर अपनी मनोकामना को पूरा करते हैं। हमारे मुख्य पुजारी जी जय बिहारी जी हुए जो पूजा या अर्चना कर रहे हैं। माता लोग मोहल्ला से आती है। आगे बढ़ते हैं और भी मंदिर का दर्शन करते हैं। ये संतोषी माता जी का मंदिर हुआ। ये बजरंग वाली की प्रतिमा हुए, माँ काली का प्रतिमा है, माँ सरस्वती जी का प्रतिमा उधर है। मंदिर के पास जो भी खड़े हैं अपने बच्चों को संभाल के रखे हैं। ये माता जी का भव्य रूप में माँ विराजमान है। इतनी बड़ी मूर्ति स्थापित मूर्ति अस्थाई मूर्ति पूरे बिहार में नहीं है, दुर्गा माता जी का मंदिर। हमारे बगल में शंकर भगवान, बजरंग ग्रहण करने के बाद पार्वती जी, गौरी पार्वती जी है।
हमारे जितने भी भक्त हैं उनसे अनुरोध है कि प्रसाद ग्रहण करने के बाद जूठन को रोड पर न फेंके, डस्टबिन में डालें। स्वच्छता के साथ हम भी है, बहुत ये बहुत प्राचीन हमारे लोग के यहाँ कुआं है, ये कुआं बहुत पुरानी है, ये कभी नहीं खाली होती, कुआं में हमेशा पानी रहता है, कितनों कुछ हो जाए पानी हमारा मंदिर में पूरा रहता है, हमेशा भरा रहता है, हाँ हमेशा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता है। तो ये थे लाली जी जो यहाँ के सचिव हैं, जो इन्होंने पूरे मंदिर का हमें दर्शन कराया और आप सबको भी कराया। तो आगे हम बढ़ेंगे और पटना के और भी जगहों का हम लेंगे, माता का दर्शन करेंगे और आपको कराएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिहारी न्यूज।